प्रशासनिक पद से इस्तीफा दिए समाज सेवा को तत्पर राजनीति में कदम रखने वाले असीम अरुण के पैतृक निवास गौरनपुरवा खैर नगर कन्नौज में पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ लोगों का मिलने का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि कानपुर जोन के कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर कन्नौज जनपद के सदर सुरक्षित विधानसभा से भाजपा के टिकट से संभावित उम्मीदवार असीम अरुण ने जनपद में डाला डेरा। लगातार पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व क्षेत्रीय जनता से मिलने का सिलसिला जारी रहा, जहां उन्होंने मीडिया से पार्टी में आने की वजह स्पष्ट और राजनीतिक क्षेत्र में रहकर देश की सेवा करते रहने की बात। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तंज कसने की बात पर जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश से हमारे राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं, क्योंकि हमारी उनकी विचारधारा एक नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं है। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा देकर अपने गृह जनपद कन्नौज आए असीम अरुण जी के गांव में। वहां पर आपको दिखा सकता हूं मैं कि अपने विद्यालय में जो उन्होंने अपना जो है कार्यक्रम रखा है, आप देख सकते हैं यहां पर बहुत से पार्टी से संबंधित व्यक्तियों का उनसे मिलने के लिए तांता लगा हुआ है। चलिए मैं आपको उनसे आमने सामने रूबरू करवाता हूँ। सर, जैसे आप किसी भी पर्चे का मोहताज नहीं हैं और आप मौजूदा कमिश्नर थे यहाँ के, और आज जिस भी गांव जाते हैं तो आप चर्चा का विषय हैं और लोग यह कह रहे हैं कि परिवर्तन, अब की बार विधानसभा में परिवर्तन हो रहा है, सुरक्षित सीट है जी। परिवर्तन और जनता के भी उन्हें में था परिवर्तन, तो ऐसे क्या हालात बने जो आपने उधर से छोड़कर और इस क्षेत्र में राजनीति में कदम रखा जी। ये भारतीय जनता पार्टी की महानता है कि अपने जो नेता नेतृत्व उपलब्ध हैं उनको लगातार प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है, और उसके साथ ही साथ मेरे जैसे व्यक्ति जो पार्टी में नहीं हैं ऐसे लोगों को निगाह में रखा जाता है और उनको एक सुझाव दिया जाता है। जैसा कि सुझाव मुझे 1 जनवरी को पार्टी की तरफ से मिला, उसमें मैंने 7-8 दिन विचार किया, काफ़ी मंथन किया। आप समझ सकते हैं कि ये विकल्प, ये चुनाव आसान नहीं था मेरे लिए। और फिर 8 जनवरी को जब मैंने तय किया कि हाँ एक बार ये सुझाव अच्छा है, और जो लोक सेवा का काम मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में ईमानदारी से, शिष्टाचार से, समानता से कर रहा था, उसको लोक सेवा में आके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन के अब मैं बड़े पैमाने पे, बड़े कैनवास पे कर पाऊँगा। सर, आप जो है राजनीति में ऐसे किस व्यक्ति से प्रेरित होकर के राजनीति में आए, कोई ना कोई तो आपका प्रेरणा स्रोत रहा ही होगा जी। मेरे 3 प्रेरणा स्रोत हैं और 3 ऐसे महापुरुष जिनके चित्र मैंने हमेशा अपने कार्यालय में रखे और आगे भी रखूँगा, जिसमें महात्मा गांधी जी जो कि नैतिकता और धर्म के प्रतीक हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कि विधि विधान के प्रतीक हैं, जो कुछ करो नियम से करो, कानून से करो, और 3रे महापुरुष जिनका मैं अनुयायी हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि वर्दीधारियों के पुलिसकर्मियों की अकेडमी जो है नेशनल पुलिस अकेडमी उनके नाम पे बनी है, उनका अनुयायी इसलिए हूँ क्योंकि जो भी काम करो वो नैतिक हो, विधि से हो, लेकिन पूरी शक्ति के साथ करो। तो इस प्रकार ये 3 महापुरुष हैं जिनसे मैं प्रेरित हूँ और आगे भी प्रेरणा लेता रहूँगा। सर, जैसे कि कन्नौज सपा का गढ़ कहा जाता है जी, और इसमें ज़्यादातर 3 विधानसभा हैं, 3 विधानसभा में पहले 3ों में सपा का कब्जा था, लेकिन पूर्व में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 2 सीटें तिरवा और छबरामो बीजेपी के खाते में चली गई। सदर से 3री बार लगातार सपा के ही अनिल दोहरे जी विधायक हैं, तो सर इसको देखते हुए कुछ आपको क्या महसूस करते हैं, क्या टक्कर है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में, माननीय योगी जी ने कानून व्यवस्था को इतना मजबूत किया है, ये बात हमारे सबके सामने है, मुझे कोई इसके प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का मॉडल हम सबके सामने आया है, भ्रष्टाचार विहीन, सीधे लोगों को मदद पहुंचाने वाला, कोविड के दौरान सबको इतनी मदद पहुंचाई गई है, वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें सबके सामने हैं, और पूरे प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा करेगी और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से होगा। सर, जैसा कि आप पक्ष में निश्चित रूप से होगा, सर जैसा कि आपको भी विदित होगा, यहाँ पर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रहे बनवारी लाल जी दोहरे, और अन्य भी कई नाम ऐसे चल रहे थे, और बावजूद इसके
एकदम जो है आपका नाम जो है सदर के लिए एकदम नामित हो गया सर, इस पर थोड़ा सा हमको आप बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लगभग 30 वर्ष के सेवा काल के लिए लोकसेवा में आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। इस 30 वर्ष में मुझे बहुत सारे छोटे बड़े टास्क मेरी पार्टी देगी, उसको मैं अपने मनोयोग से करूँगा, अच्छे से करूँगा, और किसी टास्क को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझूंगा, पूरा करूंगा। एक चर्चा का विषय चल रहा है, एक सभा है, बराबर शायद आपके द्वारा कहा गया कि अखिलेश जी ने कुछ ऐसा तंज कसा जिससे आपको राजनीति में आना ही पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और माननीय अखिलेश जी का, माननीय मुलायम सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और ऐसा ये सूचना आपकी गलत भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही माननीय अखिलेश जी ने ऐसा कुछ कहा है। इसे सोशल मीडिया पर, और जी जी, ऐसा कहीं मेरे आपको जुबान से कुछ भी नहीं मिलेगा। और मेरा मानना ये है कि राजनीति में हमको एक दूसरे की दलों की नीतियों की आलोचना करना चाहिए, ना कि व्यक्तियों की। सर कुछ ये भी कयास लगाए जाते हैं कि जैसे कि आप एक बड़े स्तर के प्रशासनिक अधिकारी और तेज तरदार नामों में आपकी लिस्ट में नाम लिया जाता है, तो क्या कुछ उधर से भी चुनाव में सहयोग मिलेगा प्रशासन को? मिलेगा। तेज तरदार और ऐसी सूचियों में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि राजनीति में जो लोग हैं और जो सरकारी तंत्र में लोग हैं, ये दो अलग अलग पार्ट हैं, हालांकि दोनों बहुत मिल करके काम करते हैं। तो सरकारी सेवकों को किसी भी राजनीतिक पार्टी से बहुत दूर रहना चाहिए। मैंने 1 जनवरी को जब मुझे सुझाव मिला था, उससे पहले तक मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक व्यक्ति से बहुत दूर था। तभी विचार मंथन के बाद जब मैंने 8 तारीख को घोषणा की, तो ज़्यादातर लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, ज़्यादातर लोग भौचक रह गए। क्यों? क्योंकि मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो मैं अपने साथियों से कहूँगा कि अगर आपको ठीक लगे तो इसी तरीके से अपना काम बिल्कुल राजनीति से दूर रखें। हाँ, राजनीतिक नेतृत्व जो प्रजातंत्र के रूप में चुना जाता है, उनके निर्देशों पर सरकारी सेवक काम करते हैं। सरकारी सेवा और राजनीतिक सेवा दो अलग अलग बातें हैं, इनका मेल जोल करना ठीक नहीं है। हाँ, समन्वय सरकार में करना जरूरी है। कन्नौज सदर की जनता अगर आपको ताज पहनाती है और राजनेता बनाकर विधानसभा भेजती है, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? मैं किसी ताज का आकांक्षी नहीं हूं, और हाँ, ये मुझे दुख है कि मेरी खूबसूरत नीली टोपी और वर्दी अब मैं नहीं पहन पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग दो तरह के काम करें। पहला, जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि पार्टी को मजबूत किया जाए और लोगों को जोड़ा जाए, जैसे कि मैं, मुझे जोड़ा गया है, तो मेरे ऐसे बहुत सारे दूसरे फील्ड के मित्र हैं जो पूछते हैं कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो सरकारी सेवक रहते हुए तो नौकरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन और क्षेत्रों के जो साथी हैं वो पार्ट टाइम भी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। दूसरा और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, सबका साथ सबका विकास जो नारा है, इसको और चरितार्थ करना है। सभी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज का वोटर, आज का नागरिक बहुत परिपक्व है, अपने वोट की ठेकेदारी किसी को नहीं करने देता है, हर एक से बात करता है और नीतियों पे काम करता है। तो जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हैं केंद्र में और राज्य में, इससे सब लोग संतुष्ट हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज का वोटर, आज का नागरिक बहुत परिपक्व है, अपने वोट की ठेकेदारी किसी को नहीं करने देता है, हर एक से बात करता है और नीतियों पर काम करता है। तो जो नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की हैं केंद्र में और राज्य में, इससे सब लोग संतुष्ट हैं। सब लोगों ने योजनाओं का समान रूप से लाभ उठाया है, हर धर्म के, हर जाति के व्यक्ति को लाभ दिया गया है, उनको मिला है। तो निश्चित रूप से यही दो प्राथमिकताएं हैं जिन पे मुझे काम करना है, यही पार्टी की प्राथमिकता। हमारे चैनल के माध्यम से आज आप अपनी विधानसभा की जनता से कुछ संदेश या कोई अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे कन्नौज के अपने भाई बहनों से अनुरोध करना चाहूँगा, उनको अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने सेवा से रिटायरमेंट ली है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ ली है, और उद्देश्य ये है कि आप और हम मिलकर के समस्याओं को हल करें। लोक सेवा केवल यही है, समस्याओं को हल करना, अंग्रेजी उसको बोलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जो भी नगर देश अच्छे हैं, उन्होंने क्या किया? इंदौर सफाई में नंबर 1 इंडेक्स पे क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने समस्याओं को हल किया। क्या कन्नौज को हम इस प्रकार सफाई में या और चीज़ों में नंबर 1 पे नहीं ले जा सकते हैं? जरूर ले जा सकते हैं, अगर हम और आप मिल करके साथ काम करेंगे। अगर ये कल्पनाशीलता हम दोनों के अंदर, हम सब के अंदर होगी तो होगा। इसमें सरकारी पद, सरकार ये एक साधन बन सकती है, लेकिन अगर ये ना भी हो तो भी हम देखें, जैसे मेरे पिताजी ने जहाँ हम खड़े हैं ये स्कूल, ये संस्था बनाई, तो 40 किलोमीटर नहरों की सफाई की गई बिना किसी सरकारी अनुदान के, केवल श्रमदान से, पसीने से, कोई पैसा नहीं लगा उसमें,
और किया गया। तो ऐसी कल्पनाशील योजनाओं पे काम करना होगा, समस्याओं का हल निकालना होगा और सबके चेहरे पे मुस्कान आए ऐसा काम करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद।